सतना जिले के उचेहरा कस्बे से 3 सप्ताह पहले अगवा की गई 7 वर्षीय बालिका को खोज निकालने के साथ पुलिस ने सनसनीखेज वारदात की साजिश में शामिल उसकी मां को प्रेमी समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 15 दिसंबर 2023 को बच्ची अपने पिता के साथ मैहर से ट्रेन में बैठकर उचेहरा पहुंची और अकहा जाने के लिए बौली चौराहे पर बस का इंतजार करने लगी। तभी अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने फौरन धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर खोजबीन शुरू कर दी। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो साइबर सेल ने हजारों मोबाइलों को जांच के दायरे में लिया। वहीं पुलिस कप्तान आशुतोष गुप्ता ने बच्ची को वापस लाने और आरोपी को गिरफ्तार करने पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। प्राप्त फुटेज को अलग अलग माध्यमों में प्रसारित किया गया, जिससे घबराकर अपहरणकर्ता 5 जनवरी को बालिका को मैहर स्टेशन पर छोड़कर भाग गया, जो कि जीआरपी की नजर में आ गई। पूछताछ में परिजनों का पता मिलने पर उसे घर भेजने के साथ उचेहरा पुलिस को भी अवगत करा दिया गया। तब पुलिस टीम ने बेहद सावधानी से सवाल जवाब कर आरोपी के संबंध में जानकारी जुटाई तो रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के मतहा निवासी 50 वर्षीय संजय उर्फ जिग्गी लाल कोल का नाम सामने आया। लिहाजा पुलिस ने दबिश देते हुए संजय को पकड़ लिया। इसने गिरफ्त में आते ही सारे राज उगल दिए। ये सारा मामला थाना उचेहरा का है, जिसमें कि एक नाबालिग बालिका का अपहरण का मामला सामने आया था। इस पर तत्काल थाना उचेहरा में धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने उक्त बालिका को सकुशल दस्तयाब किया था और बालिका से पूछताछ जब की गई तो उससे जो इनपुट मिले उसके आधार पर आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और आरोपी से पूछताछ करके उसका मेमोरेंडम लिया गया, जिस पर से उस बच्ची की माँ को भी आरोपी बनाया गया है। अतः प्रकरण में कुल 2 आरोपी हैं। एक तो वह जिस जो कि उस बच्ची को लेके गया था, साथ में उसकी माँ को भी इसमें आरोपी बनाया गया है साक्ष्य अनुरूप, और दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। मामला भी विवेचना में है। बहुत प्रथम दृष्टया पाया गया बच्ची चाहता था, जिस पर से एक बच्ची को उसने इसकी माँ की मिली भगत से अपहरण कर लिया था। बच्ची कथन के आधार पर उसको धाराओं का इजाफा किया गया है और क्योंकि माँ ने इस तरह का इसमें कृत्य किया था, इसलिए इसकी माँ को भी इसमें आरोपी बनाया गया है।